Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut में अवैध कॉलोनियों व फैक्ट्रियों पर शिकंजा कसने का काम लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज थाना प्रतापपुर क्षेत्र के कताई मिल चौकी इलाके में बनी अवैध कॉलोनी और फैक्ट्रियों पर भी बाबा का बुलडोजर गरज पड़ा। आज मेरठ पुलिस द्वारा लगभग 210 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। दरअसल ये जमीन सरकारी बताई जा रही है। भारी मुनाफे की आड़ में इस पर बिल्डर ने अवैध तरीके से कॉलोनी व फैक्ट्रियां बनाई हुई थी। इतना ही नहीं, इस सरकारी जमीन पर खेती भी की जा रही थी, लेकिन आज भारी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इस जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। बता दें, मेरठ पुलिस लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है। एक के बाद एक फैक्ट्री को ध्वस्त किया जा रहा है और जिसमें अवैध तरीकों से बुवाई की जा रही थी उस पर भी बुलडोजर बज रहा है। बीते दो दिन पहले भी बेगमपुल से कचहरी तक बने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया था। इस दौरान नगर निगम की टीम ने सड़क पर अतिक्रमण करके बैठे ठेकेदारों को वहां से हटवा दिया, साथ ही दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी थी। ग्राम इटायरा जो है हमारे यहाँ पे 610 बीघा लगभग जमीन ग्राम समाज की जमीन थी, जो किसी टाइम पे किसी प्राइवेट लोगों के नाम दर्ज हुई और उसके बाद खारिज हुई, जिनमें से 400 बीघा जमीन का अभी हाईकोर्ट से स्टेटस को है, बट लगभग 210 बीघा जमीन पे ग्राम समाज दर्ज है और वो ग्राम समाज के उसमें है, खाते में है। तो कई बार लोगों को नोटिस देके बताया गया कि इसको खाली कर लें, तो लोगों ने खाली नहीं किए, तो आज मजिस्ट्रेट्स की उपस्थिति में और फोर्स की उपस्थिति में उस जमीन को खाली करवा के पोजेशन में लेकर ग्राम पंचायत को हैंडओवर किया जाए। पहले नाम दर्ज आ रहे थे चकबंदी के बाद, फिर तत्कालीन एसडीएम साहब थे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब, उन्होंने अपने टाइम पे इसमें 200 बीघा जमीन जो लगभग जो आज हम खाली करवा रहे हैं उनमें वो नाम को खारिज करके उसको ग्राम समाज में दर्ज किया था। तो विगत एक वर्ष में ये हुआ, उसमें अब उसका पोजेशन लिया जा रहा है और 400 बीघा जिसमें लोग कोर्ट गए हुए हैं, कोर्ट उसमें सुनवाई कर रहा है, उसको अभी हम लोग नहीं छेड़ रहे हैं। कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसके बाद उसमें आगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट न्यूज़।